कुलपति जी प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, इस विशेष महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप राव, अभिभावक संघ के अध्यक्ष श्री विपिन कुमार यादव, पूर्व छात्र परिषद के अध्यक्ष संजू जी और आज का कार्यक्रम संचालन करने वाली चित्रा सिन्हा जी, यहाँ निमंत्रित बंधु भगिनी और इस महाविद्यालय के और आज के इस समारोह संस्कार समारोह समावर्तन संस्कार समारोह के लिए जो सहभागी हो रहे हैं वो मेरे छात्र बंधु भगिनी, आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं छात्र बंधु भगिनियों से क्षमा मांगती हूँ क्योंकि मैं खड़ी होकर बात नहीं कर पा रही हूँ और इसीलिए मैं आप सबके चेहरे नहीं देख रही हूँ, यानी जिस प्रकार से अच्छी शिक्षा प्राप्त होकर आप अभी जीवन के अगले मोड़ पे जा रहे हैं तो आपके आंखों में भविष्य के सपने हैं। यहाँ से आपने जिस हेतु से यह महाविद्यालय शुरू हुआ है उस हेतु को जीवन में साकार करते हुए शिक्षा प्राप्त की है तो आपके चेहरे पर तेज है और शिक्षा में जिस प्रकार से हमें कृति रूप कृति के लिए सज्ज बनाने का प्रयास किया जाता है तो वह कृति का संकल्प है, ऐसा लेकर आप सब चले हैं। लेकिन मैं खड़ी होकर आपको नहीं देख पा रही हूं इसका मुझे दुख है, आप भी मुझे क्षमा दीजिए। जब मुझे डॉक्टर प्रदीप जी से पत्र मिला निमंत्रण का तो सबसे पहले मुझे जो अच्छा लगा वह था समावर्तन संस्कार समारोह, ये जो नाम दिया था ये हमें अपने परंपरा से जोड़ता है। भारत की सारी भाषाओं में ग्रेजुएट के लिए शब्द है स्नातक। अभी स्नातक का अर्थ क्या है तो जिसका विशेष स्नान हुआ है वो, क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ऐसा है कि शिक्षा प्राप्त करने तक विद्यार्थी ने पूरे संयम का पालन करना है और इसीलिए अपने नियम ऐसे थे कि तब तक वो रेशमी कपड़े नहीं पहनेगा, वो पलंग पे नहीं सोएगा, जमीन पे सोएगा, मेहनत करेगा विद्यार्थी, खाना जो भी सामने परोसा जाता है वही खाएगा, उसमें कोई लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये चाहिए वो नहीं चाहिए ऐसा नहीं होगा, वो कोई सुगंध का धारण नहीं करेगा, फूलों का धारण नहीं करेगा, कुछ नाटक नृत्य उस समय का नहीं देखेगा, ऐसे सारे नियम थे। इसका अर्थ क्या था कि जब व्यक्ति बड़ा हो रहा है उसके शरीर में अनंत कोशिकाएं जन्म ले रही है, एवरीडे थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ सेल्स आर टेकिंग बर्थ, और जिस प्रकार से हमारा जीवन है उस प्रकार से उन कोशिकाओं की शक्ति होती है। तो ये जीवन के पहले 20-25 बरस यदि मेरे जीवन में संयम है, यदि मैं मेरे मानसिक शारीरिक शक्तियों को व्यर्थ बातों में अभी नहीं लगा रही हूं तो उनकी ताकत पक्की बढ़ेगी और इसीलिए ये सारा संयम होता है। आप जानते हैं कि ये जो यानी बहुत बलवान शरीर और एकदम धैर्ययुक्त अंतकरण, तीव्र बुद्धि, ये सारी प्रयासों से होती है, ये सुख सुविधाओं में रहकर नहीं होती है। जैसे उदाहरण आपको समझिए कि किसी को वेट लिफ्टर होना है, ठीक है, तो उसको बलदंड बाहु चाहिए। अब ये बलदंड बाहु कैसे बनेंगे यदि वो उसको रोज अच्छा घी लगाएगा, 4-5 तकियों में अपने हाथ को रख देगा
यानी सुख सुविधा में हाथ को रखेगा तो हाथ पक्का नहीं होने वाला है, उसको रोज वेट उठाना पड़ेगा, कष्ट होंगे, हाथ में दर्द होगा, अरे दर्द हो गया अभी 10 दिन मैं नहीं करूंगा, 10 दिन के बाद उठाऊंगा, तो वो कभी वेट लिफ्टर होगा नहीं। वो जैसे दर्द को सहन करता है शरीर की दर्द करने की ताकत बढ़ती है, दर्द होना बंद होता है, फिर वो और 5 किलो डालता है, फिर से दर्द होता है, वो फिर से अपनी ताकत बढ़ाता है, ऐसा करते करते बाहुबल दंड होते हैं। ऐसे ही मन का है, मन बहुत इधर उधर भाग रहा है, तो जो हम 25 बरस तक हम धारण कर सकते हैं वो धारण नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपने यहां शिक्षा काल में यह नियम था कि हम संयम से जीवन जिए, और जब अभी शिक्षा पूरी हो गई अभी हम उपभोग में भी जाते हैं, यानी हम जीवन का जीवन में उपभोग ले सकते हैं, लेकिन हमें संयम भी प्राप्त हुआ है,